वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूँ मौसमी और आप लोग देख रहे हो माय लाइफ माय जर्नी। तो आप सभी को हैप्पी होली, आज होली के दिन। और अभी मैं छत से अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और कोई त्यौहार वगैरह हो तो खुले आसमान के नीचे ही बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं आ गई हूँ। और ये है मेरा होली का लुक। तो मैंने एक येलो कलर का साड़ी पहनी हुई हूँ और उसके साथ है ये गले का सेट। और अभी मैं जाऊंगी नीचे और उसके बाद जो है पूजा करना है। और पहले मैं भगवान के पैर में होली अबीर लगाऊंगी और उसके बाद जो है खेलना स्टार्ट करूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग देखते रहिए, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। यहाँ पर दिया और अगरबत्ती जला लिया है, फूल ले लिया है और यहाँ पर है अबीर और भगवान जी के लिए लड्डू प्रसाद है। मंदिर में पूजा करना हो गया है मेरा और अभी मैं आ गई हूँ तुलसी माता को पानी देने और पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए तुलसी माता को भी अभी लगाना है। और बचपन से मैं घर पे मम्मी को देख के आई हूँ कि सबसे पहले भगवान जी को अभी लगाते हैं, उसके बाद अभी खेलते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा तुलसी माता का पूजा करना हो गया है अभी मैं। तो ये सुबह के टाइम में मैं मेरे बेटू और मेरे भैया का बेटू सबको मिलते हैं। हम लोग यहाँ पर नीचे होली खेल रहे हैं, तो वही थोड़ा सा हम लोग वीडियो करके रखे थे। अब लोग भी साथ कर रही हूँ, शायद हम लोगों को अच्छा लगेगा। अब लोग देखो और ये चलो। तो हम लोग एकदम भूत बन गए हैं, अभी जा रहे हैं बेटू को नहलाने। और मेरा तो पहले नहाना हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा फेस को वॉश कर लूंगी। तो चलिए उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम का टाइम है, 6:30 बज रहा था और अभी मैं आ गई हूँ किचन पे चाय बनाने के लिए। उसके साथ मैं राइस पिठा रही हूँ। और दोपहर में आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग मैं नहीं शेयर की हूँ, क्योंकि दोपहर में जो है हम लोग एक फ्रेंड के घर खाना खाने गए थे, तो इसके लिए कुछ नहीं शेयर की हूँ। और आप लोगों को पता ही है कोई कोई बिल्कुल नहीं पसंद करता है कि उनके घर में जाके कैमरा ऑन करे, तो इसके लिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाए थे। अभी जो है चाय बनाना है और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोग राइस भी बिठा दिया है। तो रात को हम राइस बनाएंगे और आलू चोखा बनेगा, उसके साथ ऑमलेट बनेगा। और वैसे भी कल संडे था तो चिकन हुआ था दोनों टाइम, दोपहर में हुआ था और रात को भी हुआ था। तो और आज फ्रेंड के घर में भी ज़्यादा खाना हो गया है, मटन खा लिया है, तो रात को कुछ खाने का मन नहीं है बिल्कुल ही। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बेटू के लिए मैंने बॉर्नवीटा रेडी कर लिया था और हम लोगों के लिए चाय बना रही थी। तो दूध जो है थोड़ा सही था अमूल ताजा, तो बेटू को दे दिया है। और हम लोगों के लिए यहाँ पर जो है मिल्क पाउडर जो आते हैं ना, तो वही से हम दूध चाय बना रहे हैं, हम लोग अमूल यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए बेटू इधर उधर क्या फेंक रहा है और बदमाशी कर रहा है। और आज ना हस्बैंड भी जल्दी जल्दी ड्यूटी से आ गया था, तो पर गर्मा गर्म चाय रेडी है, आप लोग भी आ जाओ फटाफट हमारी चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर देखिए चाय है और बिस्किट। और आप लोग शायद सोचोगे ये क्यों छोटा कप और ये क्यों बड़ा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं जो छोटा कप में ही चाय पीती हूँ और हस्बैंड को बड़ा वाला कप चाहिए, तो इसके लिए दोनों के दो टाइप का कप। और आज तो खाने में सिर्फ राइस बनेगा, आलू पोस्तो जिसको खसखस बोलते हैं, तो वो बनेगा और उसके साथ बनेगा दाल और ऑमलेट और कुछ नहीं, बस यही है हमारा आज का सिंपल सा डिनर। और यहाँ पर देखिए ये पता नहीं क्या करने आ गया है, कि छो तो ये यहाँ पर छुपने के लिए आया है किचन कैबिनेट के अंदर। तो चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं। तो चलिए ये ना चा
चलो थैंक यू और बिस्किट चाय ना तुम आगे हो चाय तुम ही नहीं तो ये है बिस्किट ना देखिए हम लोग साथ में बैठ के चाय पी रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे इधर उधर की। तो बिट्टू अभी बाहर खेल रहा है, वो मेरे कान पे कुछ बोल रहा था, तो प्लीज़ आप लोग कुछ गलत मत समझिए। तो यहाँ पर जो है चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी डिनर बनाने और बिट्टू को भी थोड़ा सा पढ़ने के लिए बिठाना है। और आज का ब्लॉग जो है यहीं पर ही एंड करती हूँ। और आपका होली का दिन कैसा गया है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।